हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया ही होंगे आप सभी। तो आज मैं आपके साथ थ्री स्टेप में कटिंग कैसे काटते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर स्प्रे कर लेंगे बालों पर। उसके बाद अच्छे से कॉम से अच्छे से कंघी कर लेंगे बालों की। इसी से आपकी बहुत प्यारी सी लेयर बन के आती है। तो देखिए, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी लेयर बन के तैयार हुई है। उसके बाद देखिए, हमको सेकेंड सेक्शन को लेना है। तो वाटर स्प्रे कर लेंगे हम पूरे बालों पे। उसके बाद हमने जो थर्ड नंबर के सेक्शन काटे थे उनको पीछे करके उनसे थोड़ी छोटी हमको सेकेंड नंबर की सेक्शन काट लेना है। जो थर्ड नंबर की लेयर थी उससे हल्के ऊपर ही होना चाहिए लेयर। तो इसको भी मैं पहले इक्वली काट लूँगी। इक्वली काटने के बाद हमारी जो सेक्शन है उसमें से ईयर टू पार्ट कर लेंगे हम। तो देखिए, एक साइड के पार्ट को क्लिप से अटैच कर देंगे ताकि हमारी लेयर काटने में दिक्कत ना हो, और दूसरे साइड की लेयर लेके 45 डिग्री पे काट देना है हमको बालों को। उसके बाद हल्की सी ऊपर करके काटेंगे हम लेयर को। और ये हेयर के कटिंग के प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है कि जितनी भी लेयर ले रहे हैं आप हल्के से ऊपर कर करके काटना है आपको। इससे क्या होगी गाइस, आपकी बहुत ही प्यारी लेयर बन के आएगी और बहुत ही प्यारे स्टाइलिश बाल लगेंगे आपके। तो देखिए, इसी तरह से इजी मेथड से आपको काट लेना है बालों को। आप हल्का सा ज़्यादा काटोगे गाइस तभी आपका शेप दिखेगा, तभी लगेगा कि आपने थ्री स्टेप कट कटवाया है बालों को। मेरी क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये कटिंग, उनके फेस के अकॉर्डिंग ही थी, बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी ये हेयर कटिंग उनके फेस पे। कई बार क्या होता है गाइस, पार्लर में क्लाइंट आते हैं और मॉडल की पिक्चर की कटिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि इस मॉडल ने जिस टाइप से बाल कटवाए हैं मैम, उस टाइप से मुझे भी काट दो। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, आपके फेस पे भी सूट होना चाहिए उस टाइप की कटिंग। फेस के अकॉर्डिंग ही हमको कटिंग काटना होता है। जिस टाइप की कटिंग आपके फेस पे सूट होती हो उसी टाइप से आपको कटवाना होता है। काफ़ी हद तक आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बालों को क्लिप करते हो, किस टाइप से बाल रखना पसंद करते हो। सोच बदले, नज़रिया खुद ब खुद बदल जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से 90 डिग्री पे हमको बाल काट लेना है और पूरे सेक्शन में, पूरी लेयर पे आपको नोचिंग तो करना ही करना है। तो देखिए, इसी तरह से आपको काट लेना है। ये जो क्लाइंट थी गाइज मेरी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही फ्रेंकली नेचर की थी और मेरी सब्सक्राइबर भी है। उन्होंने YouTube पे मेरा चैनल देखा, उनकी सिस्टर से पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल और पूछताछ करके ही मेरे पास बाल कटवाने आए थे। तो बहुत प्यारा नेचर था उनका। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर 45 डिग्री पर इक्वली काट देना है बालों को। फ्रंट के बाल हल्के छोटे ही रहे तो अच्छे लगते हैं गाइस। तो देखिए, इस तरह से हमको काटते जाना है बालों को और बीच बीच में से नोचिंग करते जाना है। तो देखिए, इस तरह से आप देख सकते हो। इनको फ्रंट से भी थ्री स्टेप में हेयर कटिंग चाहिए थी, तो बालों की तिरछी मांग निकाल के मैं फ्रंट से भी उनकी थ्री स्टेप में कटिंग कर ले रही हूँ। बैक साइड से हमने जिस तरह से बाल काटे थे गाइस, उसी तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप फ्रंट से भी काट लेना है। तो देखिए, मैं फर्स्ट सेक्शन ले रही हूँ। तीनों सेक्शन में हमको एक बराबर बाल लेना है, कम ज़्यादा नहीं लेना है हमको। तो देखिए, इस तरह से स्ट्रेट बालों को लाके काट देंगे हम। आप चाहे तो इसमें नोचिंग कर सकते हो। इनको फ्रंट के बाल बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं चाहिए थे गाइस, इसलिए मैं बहुत थोड़े थोड़े से काट रही हूँ। तो देखिए, बीच बीच में नोचिंग करते जाना हमको। इसी तरह से हमको दूसरी सेक्शन भी ले लेना है।
तो हमारी जो फर्स्ट सेक्शन थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो बताइएगा जरूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ओके गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।